वाकई बच्चे अल्लाह की नेमत है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है गाय भैंस की तरह बच्चे पैदा करें और उनका पालन पोषण ठीक से ना कर पाए, बच्चे भूखे मर रहे। पहले तो समाजवादी पार्टी को अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देगा। अब अखिलेश यादव किसी गरीब घर के तो है नहीं, उन्होंने कोविड में क्या काम किया अपने से, पार्टी के पैसे से नहीं, उन्होंने अपने से क्या क्या काम किया, या उनकी पत्नी ने बाहर निकल के क्या काम किया? तीन तलाक कानून जब पास हो रहा था, जब मुद्दा उठा था, सबसे पहले मुद्दा हम लोग उठाए थे वाराणसी में 2013 में। उस समय कट्टरपंथी हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचा गया, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग सच्चाई पे थे, हमको खुदा बचाया, अल्लाह ताला ने हमको बचाया। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन, और हमें लोग हनुमान चालीसा फेम नाज़नीन अंसारी के नाम से भी जानते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने ट्रिपल तलाक को लेकर एक बड़ी मुहिम भी चलाई पूरे देश भर में, और जिसमें हम सबको जीत भी हासिल हुई। ठीक नाज़नीन जी, आपसे मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूंगी, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून ज़रूरी है इस समय? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। हाँ। जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि कोविड के समय किस तरह से हालात बेकाबू हो गए थे, किस तरह से संसाधनों की कमी पड़ रही थी। अगर हमारी जनसंख्या सीमित होती, संसाधन हमारे पास पर्याप्त थे, सीमित थे, और जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों को संसाधनों की कमी पड़ी, तो अगर ये जनसंख्या नियंत्रित होती तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे जो पूरे भारत देश का माहौल था वो कुछ और होता। हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों की जो जान चली उन जानों को बचा सकते थे। तो इसलिए वर्तमान समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून का बहुत ही जरूरी है, ये यूपी में ही नहीं, ये पूरे देश के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आप नगमा जी से भी जानते हैं। नगमा जी, आपका नाम हुआ? नजमा। नजमा, तो अपना परिचय बताइए जनता को। नजमा परवीन, विशाल भारत संस्थान। हाँ ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या जरूरी है उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से हमारे देश का, समाज का, परिवार का विकास होगा। क्योंकि लोग हमेशा ये कहते हैं, खासकर मुस्लिम फैमिली में आप कहेंगे कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अल्लाह की नेमत है और उन्हें हम रोक नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। तो गाय बकरियों की तरह बच्चे पैदा करना और उनके पालन पोषण में कमी लाना और उनको जो कुपोषित का वो शिकार हो रहे हैं, साथ ही साथ जो उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, रोज़गार का अधिकार, वो उनको नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बहुत ही लाजमी है और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको बनने की वजह से हमारे देश का विकास होगा, संस्कृति का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, और लोगों जो हमारे बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार नहीं होंगे और उन बच्चों का विकास भी अच्छे तरीके से होगा, उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से होगा। इसलिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, और उनके साथ हम सारे मुसलमान भाई बहन खड़े हैं, क्योंकि ये कानून बनना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हमने महिलाओं से बातचीत करते हैं, मुस्लिम पुरुष से बात करते हैं। अजरुद्दीन जी, एक बात बताइए, क्या ज़रूरी है इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून? जी एकदम ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के या हमारे भारत का जनसंख्या बहुत तेज़ी से भाग रहा है आगे, उसको रोकने के लिए जनसंख्या कानून बहुत ज़रूरी है। जो इस पे लोग गलत फहमी फैला रहे हैं कि नहीं ये मुसलमानों के यहाँ गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे, ये नहायत झूठ बोल रहे हैं। हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह इसका तर्जुमा मौलवी मौलाना ज़्यादा कर पाएंगे, हम लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कि जितने कम छोटा परिवार रहेगा उतना सुखी परिवार रहेगा, उतना ही हम बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाने से हम लोग उनको न शिक्षा दे पाते हैं, न तो उनका भविष्य सुधार पाते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत नीचे चले जाते हैं। इसलिए जनसंख्या कानून बहुत ज़रूरी है, इसको हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कानून को जल्द से जल्द लागू करें। कि हमारे मोहल्ले में शक्कर तालाब में करीब 30 साल से इतनी पानी की किल्लत थी जनसंख्या की वजह से, वहाँ की जनसंख्या बहुत घनी आबादी है। अच्छा। और वहाँ के लोग पानी के लिए रमज़ान महीने में औरतें बेचारी रात रात भर बाल्टी लेकर बैठती थी कि कब पानी आ जाए कि हम भर लें, और सुबह हमें नहाना धोना है, कपड़ा धोना है, साफ़ सुथरा रहना है, शाम को रोज़ा अवतार भी करना है। तो माननीय इंद्रेश जी जो RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, हमने उनका रोज़ा अवतार पार्टी रखा, उसमें 500 मुसलमान आए थे। उस हमारे मोहल्ले के लोग 500 लोग माननीय इंद्रेश जी से आग्रह किया कि हमारे मोहल्ले में एक मिनी ट्यूबवेल होना चाहिए। उस समय समाजवादी पार्टी के सभासद थे, समाजवादी पार्टी के विधायक भी थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई नहीं ध्यान लिया, लेकिन माननीय इंद्रेश जी ने ध्यान लिया,
हमारे मोहल्ले में 15 दिन के अंदर एक मिनी ट्यूबवेल लगवाया। अच्छा। आज हमारा मोहल्ला पानी के लिए एकदम खुश है, खुशहाल है। अच्छा, तो अभी आप मुझे जो सवाल कह रहे थे कि आप सवाल पूछते लोगों से कि ये किसका पानी पी रहे हो। हाँ, हाँ। हम लोगों से कहते हैं भैया आप बताइए। हाँ। आप तो समाजवादी पार्टी की गुण गाते थे ना। हाँ। आप देखिए आरएसएस का पानी पी रहे हैं, आरएसएस मिनी ट्यूबल लगाया, आरएसएस की पानी पी रहे हैं। कहें भैया हम लोग आरएसएस का भाजपा के साथ हैं। अच्छा। जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम लोग चलेंगे और उनके लिए कटेंगे, मरेंगे, उनको वोट भी देंगे। अच्छा, मतलब एक पानी पे जो है आरएसएस का, मतलब मिनी ट्यूबवेल उनको साधन मिला तो वो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिए। अच्छा, एक मैं यहाँ से सवाल आपसे अगर मैं पूछूं, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रहे हैं ये लोग, क्या लगता है यूपी में इस बार अखिलेश यादव की पार्टी आ सकती है क्या? पूर्ण बहुमत से वो दावा तो कर रहे हैं इस बात का, एकदम नहीं आ रही है। हाँ। उनकी सरकार एकदम नहीं आ रही है। हम लोग जगह जगह कैंपियन कर रहे हैं। हाँ। अपना काम दिखा रहे हैं, जो हम जनता के बीच में जाके काम किए हैं। हाँ। हम कोई सरकार से पैसा नहीं लिए हैं, लेकिन कोविड-19 में हम लोग 100 दिन लगातार जो भी प्रवासी मजदूर आए थे उनको खाना पहुँचा रहे थे। घर घर से हम लोग अपना मोबाइल नंबर पेपर में आउट कर दिए थे, जहाँ से भी फोन आ रहा था हम लोग खाना, राशन, पानी, दवा, हर चीज़ पहुंचा रहे थे। तो आज जिसका हम मदद किए वो हमारे साथ खड़ा है। जो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है उस पर भी, इसके पहले 3 तलाक कानून जब पास हो रहा था, जब मुद्दा उठा था, सबसे पहले मुद्दा हम लोग उठाए थे कि वाराणसी में 2013 में, उस समय कट्टरपंथी हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचा गया, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग सच्चाई पे थे, हमको खुदा बचाया, अल्लाह ताला ने हमको बचाया। तो हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज को अपने ये दिखा रहे हैं रास्ता कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए। हाँ। उनको शिक्षित बनाएंगे तब आपका रोजी रोजगार भी अच्छा चलेगा, आपके बच्चे जब नौकरी में जाएंगे 10 रुपया लेके आएंगे, उनका अगर 40,000 रुपया महीना तनख्वाह है, 40,000 रुपया अगर घर में आ रहा है और दो भाई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो घर तरक्की करेगा। हाँ, और ये सब तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जनसंख्या कानून लागू होगा। ठीक। अर्चना जी आपसे पूछूंगी, दो बच्चे सबसे अच्छे ये योजना चला रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ताकि लोगों को अवगत कराया जाए कि दो बच्चे सबसे अच्छे, दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, क्या सोचना है आपका इस बारे में? देखिए, कोई भी धर्म हो उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में भी सती प्रथा गलत थी। हाँ। उसका अंत किया गया और इसको, इस अंत को करने के लिए राजा राम मोहन राय ने भी जब मुहिम चलाई थी, विधवा पुनर्विवाह प्रथा शुरू की गई, ये सारी चीज़ें हमारे धर्म में जो गलतियां थी उसको सुधारा गया और आज हमारा धर्म, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी घुटन में नहीं जीता, सब खुल के सांस ले सकते हैं। इसी तरह ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसका सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम समाज की तरफ से आ रहा है, तो उनको हम यही समझाना चाहेंगे कि किसी भी धर्म में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। जनसंख्या बढ़ने से आप पर अधिक दबाव रहेगा, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनको वो कुपोषण का शिकार होंगे, तो इस बात को जानें, अपना दिमाग जो है, विचार जो है थोड़ा बढ़ाएं, उसको व्यापक दर्जा दें और जनसंख्या नियंत्रण कानून इस समय इस देश के लिए सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक विषयों पे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद और वहीं के विधायक जिस तरीके से इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि अर्चना जी क्या करेंगी, नाजनीन जी क्या करेंगी और नगमा जी क्या करेंगी। आपसे शुरू करते हैं, समाजवादी पार्टी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, क्यों रोकना चाहती होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, इसके पीछे सबसे ये है कि वो अपनी वोट की राजनीति कर रही है। उनको लगता है ऐसा करने से मुसलमान खुश हो जाएंगे और उनको वोट मिलेगा, तो वो लोगों का नुकसान करके जो अपना भला करना चाहते हैं, लोगों के बीच में ये जो गलत भावना फैलाकर अपना भला करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो ये जान जाए कि इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, हिंदू भी रहते हैं, बाकी धर्म के लोग भी रहते हैं और शिक्षित और साक्षर मुसलमान भी रहते हैं, वो इनका विरोध जरूर करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए। ये हम सभी सच्चे हिंदुस्तानियों की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे नाजनीन जी इस मुद्दे पे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है, रोकना नहीं चाहिए, कानून खराब है? देखिए, पहले मैं उन सांसद और उस विधायक से पूछूंगी कि क्या उनके कितने बच्चे हैं, उन्होंने एक बच्चे पैदा किए या दर्जन भर बच्चे पैदा किए? उन्होंने अपने बच्चे को तो अच्छे से संस्कार दिए, शिक्षा दी, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा पहनावा दिया, तो आप उन गरीब मुसलमानों का या उन मुसलमानों का जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार, जो आपके खौफ में ये कहते हैं कि
कई मतलब बच्चे पैदा करना चाहिए, या अल्लाह की देन है, या अल्लाह की नेमत है, वाकई बच्चे अल्लाह की नेमत है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है गाय भैंस की तरह बच्चे पैदा करें और उनका पालन पोषण ठीक से ना कर पाएं, बच्चे भूखे मर रहे। अच्छा, एक सवाल मैं ये आपसे पूछूंगी, क्या समाजवादी पार्टी या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या इसलिए नहीं चाहती जनसंख्या नियंत्रण कानून आए ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे, कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा वोट करने वाले लोग आए सामने? देखिए, सिर्फ वोट के बारे में अगर वो सोचते हैं तो ये सरासर गलत है, ये राष्ट्रद्रोह है। क्योंकि अगर वो वोट के बारे में सोचते हैं तो हमारे देश का जो आर्थिक है पूरा अनियंत्रित हो जाएगा, सारी संसाधनों की कमी पड़ेगी, बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी, गरीबी की समस्या पैदा होगी, ये सारी समस्याएँ पैदा होंगी और दुनिया में हम बदनाम होंगे। तो ये अगर इस तरह की सिर्फ वोट बैंक के बारे में सोचते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं और राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा देश गरीब तबके में जाएगा तो ये कहीं ना कहीं बड़े जिम्मेदार होंगे, और ये सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए मुसलमानों को बहका रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कहीं भी मुसलमान आगे बढ़े। ठीक है, मतलब समाजवादी पार्टी जो इस कानून का विरोध कर रही है, उनके सांसद और विधायक, तो वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं नाज़नीन जी के हिसाब से। अच्छा, मैं आपसे अगर समझूं कि समाजवादी पार्टी का ये जो बयान है, उनके सांसद का एक बहुत बड़े मतलब राजनीतिक उनका तबका है, और उनके इस बयान को आप लोग क्या समझते हैं? उनके इस बयान से सीधे सीधे बस यही समझा जा सकता है कि उनके जो वोट बैंक का जो रेशियो है वो घट जाएगा, क्योंकि अभी तक उनकी जो सारी राजनीति थी वो मुसलमानों को लेकर के ही थी। इतने समय से उन लोगों ने मुसलमानों को अंधकार में रख करके उनके ऊपर राजनीति करके अपना वोट बैंक बनाए रखा, और अभी तक वो जीतते आए थे। लेकिन जब से योगी सरकार बनी और उनकी सत्ता हिल गई, तब से वो डगमगा चुके हैं और उनका दिमागी संतुलन भी हमको लगता है ख़राब हो चुका है, इस वजह से वो उलझलुल बयान दे रहे हैं। और रही बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की, वो तो बनना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे शिक्षा का स्तर, बेरोजगारी का स्तर, सबसे निचले तबके के लोगों में अगर किसी को शामिल किया जाएगा तो मुसलमान वर्ग के लोगों को ही शामिल किया जाएगा। अभी तक जब उन लोगों ने इतनी सारी राजनीति की लेकिन कभी शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं किया, रोजगार मुहैया नहीं कराया, बल्कि उनको बेरोजगारी की लाइन में खड़ा करके उनको बेरोजगारी भत्ता दिलवाया, तो ये कहाँ की इंसाफ है। तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये लोग अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और इससे कोई समाज का कल्याण नहीं है, कोई देश का कल्याण नहीं है। अब यहाँ से ये भी एक बात समझ में आती है कि विपक्ष ये चीज़ कह रहा है और कई सारे ऐसे मीडिया हाउसेस भी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके योगी जी की तरफ से ये जो मूव किया गया है मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून का, ये हिंदू मुसलमान करने के लिए कहा गया है, हिंदू मुसलमान करने के लिए किया, क्योंकि बंगाल में इन्होंने हिंदू मुसलमान किया था, जय श्री राम नारा दे करके सारे हिंदुओं को सोचा कि एक तरफ कर लेंगे, मुसलमानों को अलग थलग कर देंगे। तो यहाँ पे भी इसीलिए ये लोग ये कानून लेके आए, इस पे क्या कहिए? हमको जहाँ तक पता है आज़ादी से पहले हिंदू मुसलमान सब एक हुआ करते थे, उनके अंदर अलगाववाद की भावना नहीं थी, क्योंकि आज़ादी हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के दिलाई। जब से राजनीतिकरण हुआ इस देश का और सत्ता में सारे लोग आ गए, तब से लोगों को हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाया जाने लगा कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। तब क्यों नहीं पढ़ाया जाता था जब देश गुलाम था? तो मेरा सीधा सवाल यही है कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को आपस में बांट रहे हैं, और ये सीधे सीधे देशद्रोह कर रहे हैं। और रही बात जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सरकार है, योगी जी और मोदी जी की सरकार है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ये देश हित के लिए काम कर रही है, क्योंकि इन लोगों का विपक्ष का यही मोटो है कि कैसे हमारे देश के लोग आपस में लड़ें और लोगों के बीच की खाई बढ़े और जिससे हमारे देश के टुकड़े हो सकें। अच्छा, अगर मैं उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम महिला से पूछूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या ऐसा अच्छा काम कर दिया जो आप लोग इतना उनके गुणगान गा रहे हैं, तो क्या कुछ काम है? देखिए, गुणगान कोई गाने वाली चीज़ नहीं है, वो दिखाई देती है। आपके पास कोई काम दिखाई देता है तो आप उसका ही गुणगान गाएंगे, तो प्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे तीन तलाक का मामला हो, चाहे कोई भी ऐसा मामला हो, सब मुसलमानों के पक्ष में ही हो रहा है। ये नहीं कहेंगे सिर्फ मुसलमानों के पक्ष की ही बात है, सब सारे वर्ग के पक्षों की बात है, क्योंकि जो भी कुरीतियाँ हैं उसको ख़त्म होनी चाहिए और ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको लागू होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब क्या यूपी में ऐसा काम हुआ जो योगी आदित्यनाथ को नाज़नीन जी बहुत पसंद कर रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे वो शिक्षा के लिए काम हो, तो बहुत ही बेहतरीन काम किया योगी जी ने, अब तक का सबसे अच्छा काम किया है। क्योंकि अभी तक लोग जो है सिर्फ बेरोजगारी भत्ता दे करके लोगों को खुश करने का काम कर रहे थे, या सिर्फ कन्या विद्याधन दे करके खुश करने का काम कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। वो उन्होंने हुनर योजना जो चलाई, ये सारी योजनाएँ मुसलमानों के लिए हित के लिए चलाई है, और अभी तक जो भी योजनाएँ चली वो सबके लिए, कानून बनेगा तो वो सबके लिए बनेगा, वो किसी हिंदू, किसी मुसलमान, सिख, बौद्ध,
जैन पारसी ऐसा कोडिंग करके कानून नहीं बनेगा, वो सबके लिए समान रूप से लागू होगा। अगर सड़क बनती है तो सबके लिए बन रही है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सभी के लिए किया है, ये नहीं कि सिर्फ एक वर्ग के दिखाने के लिए काम किया है, ये सभी के लिए किया है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो बौद्ध हो जैन हो पारसी हो, सभी के लिए किया है। ठीक है, अच्छा अर्चना जी आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति बंगाल में भी हमने देखा था कि कहा ये जा रहा था कि जय श्री राम करके सारे हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिमों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी वहाँ पे प्रचार करने गए तो उनको ये कहा गया कि ये हिंदुओं के बहुत ज़्यादा बड़े फेस है तो इस वजह से उनको वहाँ पे प्लांट किया गया है। अभी ये जो है यहाँ पे भी लगने लगा, कहा यह गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में इस समय इसलिए लेके आए हैं ताकि यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम का विवाद कर सके, क्या कहिए? देखिए पहले तो समाजवादी पार्टी को अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देगा। अभी आप यहाँ बैठी हैं, इतने मुस्लिमों के बीच में बैठी हैं और आप देख रही हैं कि ये योगी और मोदी के गुणगान कर रहे हैं, तो इसका ये सीधा मतलब है कि जो शिक्षित मुसलमान है जिसका दिमाग खुला हुआ है जो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, सिर्फ धर्म के बारे में न सोच कर अपने देश के बारे में सोच रहा है, वो कभी समाजवादी पार्टी की इस काम पर उसको वोट नहीं देगा। और रही बात योगी जी के जो काम की आप बात कर रही हैं, योगी जी ने वाकई प्रदेश में इतनी अच्छी व्यवस्था लागू की है। अभी कोविड के समय अगर योगी सरकार नहीं रहती, यही किसी और पार्टी की सरकार रहती, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, किसी और भी पार्टी की सरकार रहती तो आप देखती कि क्या होता। लेकिन योगी जी के माध्यम से कंट्रोल राशन कंट्रोल की दुकान हो, अस्पताल हो, हर जगह लोगों को सुविधाएं मिली हैं, राशन से लेकर दवाइयों तक की सुविधाएं मिली हैं, तो इससे कोई पीछे नहीं हट सकता। और रही बात हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने की, तो देखिए ये हमारे देश में बहुत पहले से चला आया है हिंदू मुसलमान की राजनीति। पहले लोग कहते थे कि भाजपा वाले कभी राम मंदिर नहीं बनने देंगे, अगर ये राम मंदिर बना देंगे तो किस पे राजनीति करेंगे, अब आ गया कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून पे राजनीति कर रहे हैं। कब तक आप ऐसा ये सारी चीजें जो है समाज में चलती रहेंगी? राम मंदिर बन रहा है ना, अभी तक तो यही बातें हो रही थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर बन रहा है तब अब लोग क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला के हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो लोगों को अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को अपने घर से निकल के बाहर झांकना चाहिए। अगर यही अखिलेश यादव की सरकार यहाँ पे रहती, कोविड का समय रहता, तो अखिलेश यादव अपने घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर से बाहर निकल कर अपने प्रदेश का दौरा करके जो लोगों में सुकून की भावना, जो लोगों में आत्मबल बढ़ाया है कि हमारा जो सेनापति है वो हमारे साथ है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है और इसलिए हम योगी जी को पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए ये कानून अभी तो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, योगी जी मान लीजिए कह रहे हैं कि 22 से पहले पहले हम इसको पास कर देंगे, क्या लगता है सबसे ज्यादा खलबली किसके अंदर होगी, कौन सी पार्टी कहीं सड़कों पे ना आ जाए, कौन सी पार्टी? देखिए ऐसे एक ही पार्टी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है जो सड़क पर आ जाएगी, जो सिर्फ मुसलमानों को अपनी बपौती समझती है, तो उनको सीधे आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि वो समझ लें कि मुसलमान अब सिर्फ सपा को वोट नहीं देते। और रही बात कोविड काल की आप बात कर रही हैं, तो आपने ये बताइए अखिलेश यादव किसी गरीब घर के तो है नहीं, उन्होंने कोविड में क्या काम किया अपने से, पार्टी के पैसे से नहीं, उन्होंने अपने से क्या क्या काम किया, या उनकी पत्नी ने बाहर निकल के क्या काम किया कोविड के दौरान, कितने लोगों की मदद की? अगर वो ये कह रहे हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं किया, वो बहुत अच्छे से संभाल लेते, तो कृपया उस बात को प्रदर्शित करें, उस बात का डाटा दें कि उन्होंने क्या काम किया है कोविड के दौरान अपने से, पार्टी के पैसे से नहीं। वो अगर ये बात ये प्रूफ कर देते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया, तो एक बार हम लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि हाँ भाई अखिलेश यादव होते तो शायद कुछ कर लेते। और रही बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून हर उस देशद्रोही के पेट में दर्द होगा, मुसलमानों को आगे जो नहीं बढ़ने देना चाहते उनके पेट में दर्द होगा, ये सारी चीजें कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगी।